सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4, जिसमें ग्रेविटेशन के साथ साथ बच्चों आपको मिलेगा फ्लूड मैकेनिक्स। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ए प्लानट ए इज 4 टाइम्स दैट ऑफ प्लानट बी। ओके, सो द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लानट आपको बताना है कितना होगा बच्चों। सो डायरेक्टली फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बच्चों, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ, जिसको टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला कहते हैं। सो टी स्क्वायर जो होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। ओके, यहाँ पर जो आर है बच्चों, वो क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। ओके, सो अगर आप देखोगे टी ए अपॉन टी बी का जो आप रेशो निकालोगे बच्चों, वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर ए अपॉन आर बी की पावर 3/2। ओके, अब आप बस जस्ट वैल्यू पुट कर दो। ये कह रखा है कि ए की जो सेमी मेजर एक्सिस है वो बी की 4 टाइम्स है, मतलब आर ए जो है वो 4 टाइम्स ऑफ आर बी है। सो टी ए ओवर टी बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आर बी डिवाइडेड बाय आर बी दैट पावर 3/2। सो आफ्टर सॉल्विंग आप देखोगे बच्चों, इसको आप लिख सकते हो, ये आर बी से आर बी कैंसिल आउट हो गया, 4 को आप लिख सकते हो बच्चों 2 का स्क्वायर, देन टी ए ओवर टी बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई पावर है 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब, मीन्स 8/1 या 8:1। सो आपको ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये भी ग्रेविटेशन से है बच्चों। द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ एटीट्यूड आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, अब बच्चों इसको डायरेक्ट आप पहला फॉर्मूला लगाओगे हाइट के लिए। तो हाइट के लिए क्या होता है बच्चों, जी वन अपन इसको नाम दे देते हैं, वो होता है जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। ओके, जब एच आर के इक्वल हो जाएगा तो बच्चों आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 1, मतलब जी बाई 2 का स्क्वायर, मतलब जी बाई 4। यहाँ पर एच अपन ने क्या ले लिया बच्चों, आर ले लिया। ओके, जी टू जब आप निकालोगे बच्चों, तो आप डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाओगे, जी टू विच इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ओके, और जी टू जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, वो किसके इक्वल दे रखा है, 1/4 ऑफ जी 1, मतलब जी टू आपको दे रखा है, जी टू इज गिवन एट जी 1 बाई 4। ओके, अब जी 1 बाई 4 दे रखा है, जी 1 की वैल्यू है जी बाई 4, मतलब ये टोटल कितना हो गया, जी बाई 16। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों। सो जी बाई जी 2 की वैल्यू अगर आप पुट करोगे, जी बाई 16 विच इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, जी से जी कैंसिल आउट हो गया बच्चों। सो डी बाई आर किसके इक्वल आ गया बच्चों, 1 माइनस 1 बाई 16 विच इज इक्वल टू 15 बाई 16। ओके, सो डी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, आर यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू द 6 पार्टिकल ईच ऑफ मास 2 kg प्लेस एट वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड लेंथ 6 मीटर एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। आपको बताना है बच्चों, तो ये हेक्सागोन बनाओ बच्चों आप, जैसे आप साइक्लोहेक्सेन बनाते हो लाइक दैट। ओके, तो हर पॉइंट पर है आपको सेंटर पे बताना है कितना होगा। तो बच्चों हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, या हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है। ओके, और हर जो ट्राइंगल है बच्चों, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब सारी साइड सेम होंगी। तो आप वी का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, माइनस जी एम अपॉन ए, ये किसी एक पार्टिकल के लिए, और 6 पार्टिकल है तो आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस सबकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, वी इक्वल टू माइनस जी की वैल्यू पुट करोगे 6.6 इंटू 10^-11 माइनस 11 इंटू मास कितना है बच्चों, मास दे रखा है 2 kg इंटू 6 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों आपको 6, तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये आ गया 6.6 है बच्चों, ये 2 से 13.2 आ गया, सॉरी 13.2 इंटू 10^-11 माइनस 11, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास m व्हेन इट रेज फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू हाइट 3 r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज।
ये आपको बताना है। तो सरफेस पे कितना होगा बच्चों, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, यू जो होता है बच्चों डायरेक्टली फॉर्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। लेकिन आपको चेंज निकालना है तो आप क्या करोगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर टू माइनस ऑफ माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर वन। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर टू प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर वन। ओके, अब सारी ये सेम है बच्चों, और आर टू जो दे रखी है वो आपको कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से थ्री आर है मतलब ये फोर आर हो जाएगी। तो पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू बच्चों, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय फोर आर प्लस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये वन है, ये माइनस वन बाई फोर है, तो आपके पास प्लस का थ्री बाई फोर बच जाएगा, मतलब थ्री बाई फोर जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। और आप इसको यूं भी लिख सकते हो बच्चों, थ्री बाई फोर एम जी आर, मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एस्केप स्पीड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हर बच्चे को पता है बच्चों, द एस्केप स्पीड ऑफ द प्लैनेट मास ट्वाइस ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द हाफ ऑफ द। ओके, अब बच्चों सुनो, वी एस्केप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ टू जी एम अपॉन आर। ओके, या मास ऑफ प्लैनेट क्या दे रखा बच्चों, आपने ट्वाइस कर दिया। ओके, मास ऑफ प्लैनेट आपने ट्वाइस कर दिया एंड रेडियस कितना कर दिया बच्चों, हाफ कर दिया, मतलब ये ऊपर जाके टू बन गया, मतलब फोर हो गया, फोर का रूट आ गया बच्चों टू, मतलब ये टू टाइम्स हो जाएगा, टू टाइम्स मतलब 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। सो आप इसको डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हो, रेशियो लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने मास ऑफ प्लैनेट टू टाइम्स कर दिया, रेडियस हाफ कर दिया, मतलब टोटल कितना हो गया बच्चों, रूट फोर टाइम्स, मतलब टू टाइम्स हो गया। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सैटेलाइट हैज ए काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी यू एंड टोटल एनर्जी ई। तो आपको बताना है इसका वैल्यू कितना आएगा आपके पास। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय टू आर। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो जस्ट माइनस टू टाइम्स होता है काइनेटिक एनर्जी के, और टोटल एनर्जी जो होती है बच्चों वो माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी रहने दो, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पुट कर दो आप माइनस टू के, प्लस टोटल एनर्जी की जगह पुट कर दो माइनस के डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी रहने दो माइनस और माइनस टू के। ये वैल्यू पुट कर दी बच्चों आपने। अब सुनो, ये माइनस टू के और माइनस के, माइनस थ्री के और प्लस का के, तो ये बच गया माइनस टू के डिवाइडेड बाई के, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया थ्री के, तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस टू बाई थ्री, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। वन मिनट बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लैनेट मूविंग, ये केपलर लॉ से बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ केपलर लॉ। ए प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन स्वीप्स एरिया ए वन इन थ्री डेज, ए टू इन सिक्स डेज, ए थ्री इन टू डेज, द रिलेशन बिटवीन ए वन ए टू एंड ए थ्री। तो बच्चों आपको पता है कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ओके, मतलब ए वन बाई थ्री विच इज इक्वल टू ए टू बाई सिक्स विच इज इक्वल टू ए थ्री बाई टू। ये आपने वैल्यू पुट कर दी, आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा टू ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू थ्री ए थ्री। ये आ गया, मतलब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट इफ 50 ए स्टोन वेट्स 50 न्यूटन एट एन एटीट्यूड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके,
द रेशियो ऑफ वेट स्टोन ऑन द अर्थ सरफेस डेप्थ ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस पूछ रहा है बच्चों आपको, है ना। तो सबसे पहले वेट जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करो बच्चों आप। तो वेट दे रखा है आपको 50, विच इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई रेडियस, कितना हो गया बच्चों, डिस्टेंस 2r हो गया, इक्वल टू द रेडियस r प्लस r 2r हो गया, मीन्स 2r का होल स्क्वायर। ओके सो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम विच इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो अगर आप वैल्यू निकालोगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर की, तो वो कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके सो वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना हो गया बच्चों, 200 हो गया। आपको पूछ रहा है कि आर बाई टू पर, डेप्थ जब आर बाई टू हो तब वेट कितना आएगा, है ना। तो फॉर्मूला यूज करोगे आप एम जी डैश विच इज इक्वल टू एम जी 1 माइनस डी बाई आर। ओके डी की जगह आप आर बाई टू पुट कर दोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा एम जी बाई टू विच इज इक्वल टू 200 बाई टू विच इज इक्वल टू 100। ओके तो 200 और 100 का रेशियो लोगे आप, कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए लिक्विड इज, ये दे रखी है आपको, इतनी दे रखी है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी। एंड इफ 2 लीटर ऑफ लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ इतना इतना दे रखा है, देन द डिक्रीज इन वॉल्यूम बताना है आपको कितना आएगा। डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब, अब बच्चों ये फॉर्मूला होता है 1/k इक्वल टू डेल्टा पी मोड ऑफ डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी, ये रहता है बच्चों। अब 1/ कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी बच्चों, 4 × 10⁻⁸, विच इज इक्वल टू डेल्टा पी कितना दे रखा है बच्चों आपको, 2 × 10⁻⁶। डेल्टा वी आपको निकालना है, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों आपको, 2 लीटर मतलब 2 × 10⁻³। ओके सो डेल्टा वी यहाँ से अगर आप निकालते हो बच्चों, तो ये आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब, या आप इसको सीसी में कन्वर्ट करोगे, सो जस्ट 160 सीसी, मतलब ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर से बात हो रही है बच्चों, टू अ सर्टेन हाइट अबाउट द सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों ग्राफ इसका कुछ इस तरह से रहता है, ये सरफेस रहता है, सेंटर से लेकर सरफेस तक इंक्रीज होता है, देन सरफेस से बाद में क्या होने लग जाता है, ये डिक्रीज होने लग जाता है। ओके तो ये जो ग्राफ है ये है जी और आर में, तो ये बच्चों सेंटर है, ये सरफेस है और ये सरफेस के बाहर है, तो पहले तो इंक्रीज होगा देन बाद में डिक्रीज होगा, मीन्स कौन सा ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू, बच्चों ये अप्रोक्सीमेटली 6r के इक्वल आती है, और ये आपको नोट्स में लिख भी रखा है, देखो द हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नियरली 36000 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 2nd इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये नोट्स आप इसको नोट कर सकते हो, ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे सारे पॉइंट इंक्लूडेड होंगे बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे। सो द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ कितनी होती है बच्चों, 36000 किलोमीटर, या लगभग 6r के इक्वल आती है। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटीरियल, मतलब यंग्स मॉड्यूलस सेम है। ओके विच हैव द मैक्सिमम एक्सटेंशन व्हेन सब्जेक्टेड टू द सेम टेंशन। ओके तो बच्चों डायरेक्टली आप यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाओगे, वाई इक्वल टू एफ एल अपॉन एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। यहाँ से देखोगे जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों एल अपॉन आर स्क्वायर, जिसका एल अपॉन आर स्क्वायर जितना ज़्यादा होगा उसके लिए उतना ही एक्सटेंशन ज़्यादा होगा बच्चों। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको,
इन सब में एल अपॉन आर स्क्वायर की आप वैल्यू पुट करके देखिए, लेंथ दे रखी है, आपको रेडियस दे रखी है, आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर. ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर यंग मॉडुलस से सवाल है बच्चों, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ स्ट्रिप्ड बाय द सेम फोर्स. सेम मटेरियल मतलब यंग मॉडुलस सेम है, मतलब वाई सेम. लेंथ एंड स्ट्रेच, सेम मटेरियल एंड लेंथ मतलब लेंथ सेम है, कैपिटल एल सेम है. स्ट्रेच बाय सेम फोर्स मतलब एफ सेम है. मासिस का रेशो दे रखा आपको एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू 1:3. तो इलोंगेशन का रेशो बताना मतलब आपको डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू का रेशो बताना है कितना आएगा. ओके, अब बच्चों एक चीज सोचो, डेल्टा एल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के. ओके, अब मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ. तो मास भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों एरिया के. ओके, सो इसका मतलब डेल्टा एल जो हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एम के. सो डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू विच इज इक्वल टू एम टू बाई एम वन, मतलब 3:1. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए 1000 केजी एलिवेटर, ये आपको दे रखा बच्चों 1000 के लिए इतना आपका एलिवेटर दे रखा है. ओके, पुल्ड बाय ए मेटेलिक वायर दैट हैज ए मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस इक्वल टू द 2×10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इतना इतना दे रखा है तो मैक्सिमम सेफ एक्सेलरेशन बताना है. तो बच्चों पहले इसको हम बना लेते हैं. ये जैसे आपका एलिवेटर है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा इसको. वन मिनट. यस, ये जैसे बच्चों आपका एलिवेटर है. अब क्या कर रहे हो, इसको आपने टेंशन टी से खींचा बच्चों ऊपर. ओके, ये एम जी नीचे और ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा बच्चों ऊपर. ये बात हुई. तो आपको पता है कि अगर आप इसमें लिफ्ट का कंसेप्ट लगाओगे तो ये हो जाएगा एम जी प्लस ए. अब जब टी बाई ए मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो गया, टी बाई ए हो गया ना बच्चों मैक्सिमम स्ट्रेस. ये मैक्सिमम स्ट्रेस की बात होगी बच्चों. अब 2×10^6 दे रखा आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, मतलब ये फोर्स अपॉन एरिया ये, तो इसकी जगह पुट कर दोगे 2×10^6. इसको किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एम जी प्लस ए डिवाइडेड बाय एरिया कितना बच्चों पाई. डायमीटर दे रखा बच्चों आपको, आपको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, 0.1/2 स्क्वायर. ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों आपके पास ए निकल के आ जाएगा यहाँ से, वो आ जाएगा 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ. इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ सैटेलाइट से. मास ऑफ सैटेलाइट पे कभी भी डिपेंड नहीं करता. मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करता है. बिकॉज मैं आपको फॉर्मूला बता दूं बच्चों, ये होता है टी इक्वल टू 2π√gm r³/2. तो ये मास ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड करता है, बट मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता. मतलब ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर. ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. इन रेफरेंस टू द जियोस्टेशन, बच्चों ये सारे पॉइंट लिखे हुए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के, आप इनको नोट कर सकते हो कॉपी में. पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है बच्चों. करेक्ट एक ही है बच्चों, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन में मूव करता है. ये देखो यहाँ पे लिख भी रखा बच्चों, पहला पॉइंट यही है कि द प्लेन ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट शुड बी कंसाइड विद जियो इक्वेटोरियल प्लेन. तो इट मूव्स इन इक्वेटोरियल प्लेन, मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. तो बच्चों इन पॉइंट के अलावा कभी भी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा. ये देखो 36,000 किलोमीटर वाला क्वेश्चन आपको अभी पहले मिला था, एंड ये इक्वेटोरियल प्लेन वाला आपको अभी मिल गया. ओके बच्चों, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, इफ मास ऑफ ए प्लैनेट एम रेडियस इज एक्स देन द वर्क टू बी डन स्लोली टेक अ 2 kg मास फ्रॉम सरफेस ऑफ द हाइट 4x। तो बच्चों डेल्टा यू निकालना आपको, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। तो यहाँ से x प्लस 4x कितना हो गया बच्चों 5x, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स, जैसा कि अपन ने पहले किया था। अभी ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 5x। अब इसको बच्चों किससे मल्टीप्लाई करोगे जी, अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको इसकी, 2 kg वैल्यू दे रखी है ना बच्चों स्मॉल एम की, तो रख दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8g कैपिटल एम अपॉन 5x। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव, इट मींस बच्चों जब टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों अगर वो 0 से कम है या नेगेटिव है, तो ऑर्बिट जो है बच्चों बाउंड होगा, वो सैटेलाइट इज इन बाउंड ऑर्बिट, वो एस्केप नहीं हो पाएगा, वो बाउंड रहेगा बच्चों। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा बच्चों द पॉइजन रेशियो दे रखा है आपको इतना इतना 0.2, सो डेल्टा आर बाई आर विच इज इक्वल टू 0.2 डेल्टा एल बाई आर। ओके, तो डेल्टा आर बाई आर कितना आ जाएगा बच्चों, इंटू 100% में देखोगे आप ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 0.02% आ गया बच्चों, ये आ गया 0.02%। ओके, नेक्स्ट डेल्टा वी बाई वी निकालना आपको, वो होता है टू डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई आर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × 0.02 प्लस इलोंगेशन कितना दे रखा है 0.1%, इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 0.14, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बल्क मॉड्यूलस फॉर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज, बच्चों इन्फिनिटी होता है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए, जो बी की वैल्यू आती है मतलब बल्क मॉड्यूलस वो कितनी आती है बच्चों, इन्फिनिटी आती है। सो वीडियो यहीं खत्म करते हैं बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।